जिले में लगातार बढ़ रही चोरी की घटना पुलिस महकमा को खुलेआम चुनौती दे रही है। अपने चोरों द्वारा घर में की गई चोरी, दुकान में की गई चोरी, बाजारों से बाइक की चोरी की कई घटना सुनी होगी, लेकिन आज चोरी की एक ऐसी अनोखी घटना हम आपको दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यह तस्वीर महागामा थाना क्षेत्र के चिचोहरी गांव की है, जहां बीती रात चोरों ने बिजली के पोल पर चढ़कर ट्रांसफार्मर का क्वायल गायब कर दिया। चोरों की हिम्मत ऐसी कि चोरों ने पहले बिजली के पोल पर चढ़कर ग्राइंडर मशीन से नट वोल्ट को काटकर ट्रांसफार्मर के क्वायल को निकाला और इसके बाद क्वायल को थोड़ी दूर खेतों में जाकर पूरे आराम से पूरी तरह से काटकर चोरी कर फरार हो गए। वहीं सुबह जब गांव के लोग शौचालय के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने ट्रांसफार्मर के कटे छटे लोहे को देखा, तो इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं दूसरी घटना महागामा के रवियाडी की है, जहां एक मोटरसाइकिल चोरी कल ही हुई। इससे पहले भी महागामा थाना क्षेत्र में कई ऐसी चोरी की घटना हुई है जो आपको चौकन्ने कर देगी। आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि सड़क किनारे स्थित बजरंगबली के मंदिर में चोरी हो गई थी और इससे पहले एक ज्वेलर के दुकान में। जिले में लगातार बढ़ती चोरी की घटना खुलेआम पुलिस महकमा को चुनौती दे रहा है। क्या नाम हो भैया? विक्रम कुमार यादव। कब आप लोग को पता चला चोरी हो गया? ये जब सुबह हम लोग उठ के बांध पे जा रहे थे ना, हाँ, तो वहाँ सामान सब पड़ा हुआ था, तो देखे कि सब कुंजी का सामान है, तो यहाँ आके देखे ट्रांसफार्मर का ऊपर कुछ नहीं है, हाँ, तो वही सब वहाँ से बच्चा लोग उठा के यहाँ लाया, ट्रांसफार्मर का अंदर का सारा का सामान खोल के ले गया, क्वायल वगैरह सब चोरी कर लिया, सब खोल के ले गया। अच्छा, लाइट था इस ट्रांसफार्मर में? लाइट अभी उस ट्रांसफार्मर में दिया, वो कब लगाया वो वाला? वो हो गया 2-3 साल से हो गया। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर बीपीएल वाला था ये? अच्छा, इससे बीपीएल वालों को लाइन जाता था? अभी ये चालू था? नहीं, इसका सारा कनेक्शन इसका बंद, कनेक्शन बंद करके उसने दे दिया। अच्छा, तो ये इसी तरह रखा हुआ था बिजली वाला? हाँ, लेकिन ट्रांसफार्मर ठीक था, ट्रांसफार्मर बढ़िया था, ट्रांसफार्मर बढ़िया था, बस उसका यहाँ से मीटर पीटर जला था, हाँ, तो लाइट इधर उधर भी नहीं जा रहा था, क्योंकि सब कोई उसको यूज कर रहा है, उसमें वोल्टेज ज्यादा रहता है। अच्छा, इसमें वोल्टेज नहीं खुल रहा था, छोटा है, मतलब इसमें लाइट था, इससे गांव वाले को लाइट नहीं जाता था? नहीं, लाइट इसका खोल के भी कनेक्शन उसमें कर। अच्छा, कनेक्शन भी इसमें नहीं था? हाँ, वही बात का फायदा चोर उठा लिया। अच्छा, तो ये मतलब निकाल के ले गया, उसके बाद उधर काटा। लाइट का व्यवस्था उधर काटने के लिए भी लाइट चाहिए? वो शायद बैटरी वाला लेके आया होगा लाइट। अच्छा, बैटरी वाला ग्लैंडर? हाँ, छोटा सा नट काटा है उससे, नट सब भी था, बच्चा लोग लेके भाग गया सब। अच्छा, ये सामान सब खुला हुआ, और वो जगह देखिएगा तो वहाँ। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम कुमार यादव। आप लोग को पता चला? हम लोग का सुबह ही पता चला। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार, बिजली विभाग को किसी को सूचना आप लोग ने दिए? थाना वाला को भी कॉल किया, थाना को दो बार कॉल किया, गोड्डा से भी कॉल आ गया, शायद गोड्डा से एक बार कॉल आया था। अच्छा, एक बार थाना से भी कॉल आया, उन लोग बोला जो ऐसा ठीक है आ रहे हैं 15-20 मिनट, बोला भी कि एम्बुलेंस बच्चा लोग सामान कर इधर उधर दे देगा, बोला नहीं 15-20 मिनट में भेज रहे हैं, आप लोग सामान को एक जगह रख दीजिए, तो वहाँ से उठा के सामान को यहाँ हम लोग रख दिए। महागामा थाना से भी कॉल किया। सर, कब कितना देर पहले महागामा थाना से आप लोगों को जो कॉल किया ना उसमें सुबह? हाँ, बस उसी समय हम लोग डायरेक्ट नंबर पे मतलब केस दर्ज किए, शिकायत की है तो कंप्लेन, तो वहाँ उधर से ही कॉल बैक आया महागामा थाना, वो लोग वहाँ से बोला कि कंप्लेन आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। महागामा थाना से ही कॉल आया था, तो लोग बोले कि ठीक है हम लोग 15-20 मिनट में आ रहे हैं, भेज रहा है, लेकिन अभी तक नहीं आया। कितना टाइम हो रहा है अभी? अभी तो टाइम हो रहा 12:30, 12:30 बज गया। 12:30 बज गया ना, नहीं आया अभी? नहीं, 8 बजे लगभग कॉल किया, 9 बजे लगा। इतना बड़ा चोरी हो गया, अभी तक पुलिस को नहीं पहुंचा ना? और जबकि ये सरकारी ट्रांसफार्मर तो हम लोग खुद से गाँव वाला पैसा लगा के लगाए हैं। अच्छा, ये तो सरकारी ट्रांसफार्मर, सरकारी सामान का चोरी हो गया। ट्रांसफार्मर से बिल आता है इस गांव में, हाँ, लगभग 5-6 को अभी इधर हाल ही में बिल आया है 25,000-23,000 करके, इस ट्रांसफार्मर से बिल आता है। लाइट नहीं है इससे? इस ट्रांसफार्मर से लाइट ही नहीं है, उसका मीटर भी चालू नहीं है, लेकिन बिल आता है, 2-3 आदमी का बिल बस भेज रहा है, बीपीएल जिसका इसका है, तो वो शिकायत भी नहीं कर पा रहा है। अच्छा, उसका घर का मीटर भी चालू नहीं है, लेकिन उसका 25,000-30,000 इस तरह बिल आया है इधर हाल के।